आपको रीट सिर्फ पास करना है, उसके हिसाब से ही मैनेजमेंट कर लेना। कि साइंस करते मैं इतना सा करती हूँ, साइकोलॉजी में इतना सा करती हूँ, जीके में इतना सा करती हूँ, क्योंकि अब साइंस करते अब पढ़ो बहुत शांत आगे जिंदगी में कभी पढ़नी को नहीं। तो पीछे देखो कैसे शिक्षण विधियां होगी, कि शिक्षण विधि सेम है, सबकी सेम है शिक्षण विधियां, भले हिंदी हो भले इंग्लिश हो, लगभग 70% सेम है। वो हो गया हिंदी सेम है, हिंदी और साइंस करती थोड़ो बहुत ही तो अंतर है, समास में थोड़ो बहुत ही तो अंतर है। यहाँ करिए कि जुगाड़ियों बैठ जा, आगे पढ़नी को नहीं तो ज्यादा समय देना क्यों उचित है। यूँ आज एक आगे मेन में काम अपन थोड़ो सो ज्यादा फोकस करिए, 90% ये तो सही करना है, नेगेटिव मार्किंग है को नहीं, यहाँ के जाप की गया आगे कि तुक्का मारे तो ही नाको लगा दे आदमी 200 रो 90 कोई ज्यादा थोड़ी है, तो 150 मुंह भी नेगेटिव। जैसे आरएससीआईटी है, आरएससीआईटी आपको करनी पड़ेगी, जिसने नहीं किया वो कर लेना, आरएससीआईटी आपके लिए अनिवार्य है। अब आरएससीआईटी में नेगेटिव मार्किंग कौन थे, एक पेपर दो फेल हो जाओ, दूसरे में कन्फर्म पास हो, वह को नहीं वह ई वह ये 90 ही थे। थोड़ा प्रैक्टिस करिए ताकि मेन की तैयारी कर लो ज्यादा, बस यहाँ लग रहे हो अपना जुगाड़ सो बैठ गया तो आप पास हो जाओ नंबर, अगलो मेन पेपर करना, नहीं पूरी एनर्जी इंग महीना वेस्ट कर दी हो। जैसे सेंस करते हैं किसी काम नहीं आएगी, जिसका सब्जेक्ट नहीं उसके कोई काम नहीं आनी आगे, तो भी नितो ही देखो कि मैं इतना सा टॉपिकड़ा करके और मेरे इतो सो जुगाड़ियों बैठ जाए कि 90% हो जाए मेरा से। इंग्लिश है कि यहाँ चलो इंग्लिश है बहुत, चलो मन लागे मेन सब्जेक्ट ले गो, लेकिन सेंस कर जगह ले रहा क्यों, पहले हिंदी है वो हिंदी रखी हूँ, लेकिन जकान सेंस करना सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी ना, उनके तो किसी काम की नहीं है, बंद सिर्फ रिट्रीट में पढ़नी है, बिंगो जुगाड़ियों बनाओ, कहे इतना सा टॉपिक है, आम मुंह में नाक को लगाती हूँ, इतना ही पढ़ दिया देखो।